इस समय ज्वालापुर में मौजूद हैं और एक बार फिर जो मुख्यमंत्री धामी के निर्देश थे प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई मजार यहां पर आज यहां से हटाई गई है। तस्वीर ये जो काम हो रहा है एज पर लॉ हो रहा है, एज पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है और ये किसी को बिल्कुल भी परमिट नहीं करूंगा भाई कि कोई आदमी सड़क पे आके आपको कोई कंप्लेंट है एक फोरम में आइए, आप मेरे ऑफिस में आइए कहीं। एक मजार बनी थी आलीनगर चौक पे, तो उसको सभी लोगों से वार्ता करके और सभी लोगों के सहयोग से उसको रिमूव किया गया है। अवैध अतिक्रमण भी साथ ही साथ जो है कार्रवाई यहां पर हो गई है। चिन्हित स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पहले नोटिस दिया जाता है, कमेटी नोटिस देती है, फिर उसका कंप्लायंस किया जाता है। उसी क्रम में आज इस स्ट्रक्चर को हटाया गया है। मूर्ति रखकर कुछ मंदिर यहां पर स्थापित कर दिया गया था जिसको आज प्रशासन की टीम ने पहुंचकर जो है बुलडोजर देख सकते हैं यहां पर चल रहा है। और मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह से कहा था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अवैध अतिक्रमण हम प्रदेश में कहीं नहीं होने देंगे और नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले रिजर्व गैजेट टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। इस समय ज्वालापुर में मौजूद हैं और एक बार फिर जो मुख्यमंत्री धामी के निर्देश थे प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई यहां पर आप देख सकते हैं हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं SDM पूरन सिंह राणा यहां पर मौजूद हैं और तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। मजार यहां पर आज यहां से हटाई गई है। तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा दूं किस तरीके से यहां जो पूरी कार्रवाई है वो यहां पर हुई है और अभी भी जो है वो जारी है, तो तस्वीरें आप देख लीजिए। वो सभी इस चीज़ को जानते हैं और उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है। ये जो काम हो रहा है एज पर लॉ हो रहा है, एज पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है और ये किसी को बिल्कुल भी परमिट नहीं करूंगा भाई कि कोई आदमी सड़क पे आके आपको कोई कंप्लेंट है एक फोरम में आइए, आप मेरे ऑफिस में आइए कहीं पे और जगह आपको दिखता है। अभी परसों 6 से 7 स्ट्रक्चर रोड़ी बेलवाला में प्लस नदी के किनारे हटाए गए हैं। उस समय कोई भी व्यक्ति अगर वहां भी विरोध था तो उसको भी दरकिनार किया गया है। इसके बाद अगर दूसरा स्ट्रक्चर अभी रिमूव होगा वो भी एज पर लॉ होगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है भाई कि सभी लोगों को प्रॉपरली सुना जा चुका है, एक बार नहीं 10 बार सुना जा चुका है और कोई भी काम इलीगल नहीं हो रहा है, कोई भी काम बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। तो आप इसके बाद प्लीज रोड खाली कर दीजिए और लोगों के आने जाने के लिए रास्ता क्लीन करिए। जिसको कोई भी बात कहनी है मेरे ऑफिस में आइए कल और DM साहब के पास बिल्कुल भी आप लोगों के लिए चाहिए 24 घंटे में कभी भी आइए, हमेशा आपके आने का स्वागत है, आपके सुझाव और आपके विचारों का हमेशा मुझे हमेशा भेंट रहता है। तो सभी से अनुरोध है कि रोड को खाली करिए, पूरे ड्रोन हो रहा वीडियोग्राफी हो रही है और जो व्यक्ति रोड को अनावश्यक रूप से बंद कर जिसको जो कहना है आप मेरे ऑफिस में आइए कल 4 बजे आइए, जिसको कहना है 4 बजे आइए। मिस्टर जमशेद खान जी आप 100 लोगों को खड़ा करके कम से कम 200 लोगों को परेशानी में डालेंगे, 2 लोग आप लोग ये मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। आप ऐसे लोगों को परेशान करेंगे जिन लोगों के घर में बेचारों को परेशानियां हैं वास्तविकता में, आपको कोर्ट भी लड़ लेंगे, आप बेल भी करवा लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको जो बात आपने करनी है आइए मेरे ऑफिस में आइए, जो बात करनी है ऑफिस में करिए। संविधान अधिकार देता है हमें बात कहने का और अपनी बात को आजादी से कहने का।
ठाकुर साहब थोड़ी जरा एक बार मेरी बात को ठीक से सुन लीजिएगा और जहन में उतार लीजिएगा। चीजें की गई है वो एज पर लॉ की गई है, एज पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से किया गया है। एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में कि लोगों के आने जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं उस पर कोई भी अगर स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया जाए ताकि जो हमारे आम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग उस रास्तों में आसानी से आ जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है सुनीता बनाम उत्तराखंड कि जो भी लोगों को आने जाने के रास्ते हैं 24 घंटे के अंदर उन सभी स्ट्रक्चर को रिमूव करिए, नंबर वन। और इसमें ना कोई प्रेशर है ना कोई और चीज है। सरकार हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर किया है कि जो भी सरकार जो भी लोगों के आने जाने के रास्ते हैं अगर उस पर कोई इंक्रोचमेंट है 144 CRPC लागू करिए और विदाउट एनी डिले विद इन 4 वीक उस इंक्रोचमेंट को हटाइए। तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा तो आइए अब सुनवाते हैं आपको कि जो यहाँ पर SDM पूरन सिंह राणा हैं और जो उनकी टीम है उन्होंने जब यहाँ पर मजार हटाई तो मीडिया से बातचीत में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसमें खुद चीज़ें बहुत स्पष्ट की गई है कि लोगों के आने जाने के जितने भी रास्ते हैं, जैसे सरकारी रोड है या गली है, जो भी स्ट्रीट है जो लोगों के आने जाने के लिए बनी है, उस पर जो भी इंक्रोचमेंट है, चाहे कोई कमर्शियल है या कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है, तो उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में ये इंक्रोचमेंट का जो ड्राइव है विद इन 1 वीक से कंटिन्यू है। इससे पहले श्यामपुर में प्लस रोड़ी बेलवाला में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और आज के अलावा जो हमारी मजार बनी थी आलीनगर चौक पर, तो उसको सभी लोगों से वार्ता करके और सभी लोगों के सहयोग से उसको रिमूव किया गया है। तो सर ये अभियान आगे नहीं देखिए तो कंटिन्यू है, जहाँ जहाँ चीज़ें पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और उसके लिए सभी का धन्यवाद। चाहे हमारा जितना भी मुस्लिम पक्ष रहा चाहे हिंदू धर्म के रहें, सभी को बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद। नहीं सभी लोग थे, SVCT थे, MLA नगर निगम हटवार थे, CO थे, तो सभी के द्वारा एक जॉइंटली किया गया है और बाकी सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सभी का विशेष सहयोग रहा, उसके लिए धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वालापुर क्षेत्र में समय मौजूद हैं और जो यहाँ पर आर्य नगर चौक के पास जो यहाँ पर मजार जो यहाँ पर काफ़ी सालों से थी उसको आज यहाँ पर हटा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जो मजार के अभी भी जो कुछ अवशेष हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बुलडोजर से यहाँ पर उनको हटाते हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे। HDTV की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप एक बार फिर जुड़ गए हैं कि किस तरीके से हरिद्वार में एक बार जो लैंड जियाद की जो मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे प्रदेश से समाप्त करने के, अतिक्रमण को हटाने के, उस पर कहीं ना कहीं आज हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है और तमाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है वो मौजूद है और उसके सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर जो है लोगों को आने जाने से रोका जा रहा था और ताकि कानून व्यवस्था जो है बनी रहे, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ से
आने जाने से फिलहाल रोक दिया गया था। और अब देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है जब हटाने के बाद कार्रवाई पूरी हो गई तो ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तहसीलदार जो हैं रेखा वो यहाँ पर मौजूद हैं और नगर निगम के साथ साथ जो है यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मजार यहाँ पर हटाई जा रही है एक्सक्लूसिव, आप देख सकते हैं कि SDM पूरण सिंह राणा, SP सिटी स्वतंत्र कुमार, CO सिटी जूही मनराल समेत तमाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है। देखिए अतिक्रमण को लेके एक अभियान चल रहा है जिसमें एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी द्वारा जो भी चिन्हित स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पहले नोटिस दिया जाता है, कमेटी नोटिस देती है, फिर उसका कंप्लायंस किया जाता है। उसी क्रम में आज इस स्ट्रक्चर को हटाया गया है और इसको एहतियातन देखते हुए फोर्स का भी पर्याप्त अरेंजमेंट किया गया था। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ इंटैक्ट रिहायशी इलाका था, किस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया गया? फोर्स का पर्याप्त डिप्लॉयमेंट कर दिए थे और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अवैध अतिक्रमण भी साथ ही साथ जो है कार्रवाई यहाँ पर हो गई है। बड़ी खबर इस समय RETV आपको एक्सक्लूसिव हरिद्वार से दिखा रहा है। अब अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त हो गया है और जैसा निर्देश दिए गए थे कि सड़क पर जो है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा। नाला मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ से नाला बह रहा है सरकारी नाला, उस पर कहीं ना कहीं टीन शेड जो है यहाँ पर लगाया गया था जिसको SDM के निर्देश के बाद जो है वो गिराया गया है। जैसा आपने सुना देख सकते हैं यहाँ पर खास रिपोर्ट के लिए आज यहाँ हरिद्वार के आर्य नगर से मौजूद थे और SP सिटी स्वतंत्र कुमार और SDM ने क्या कहा आपने RETV के माध्यम से सुना। खास कवरेज के आज यहाँ पर जुड़े हुए थे। इधर आप लोग देख सकते हैं कि मजार हटाई गई जो, और इधर जो है दूसरी तरफ से जो अतिक्रमण पर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं जो टीम सेट यहाँ पर लगाए गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म RETV पर। देख सकते हैं एक बार फिर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। सिंहद्वार पे इस समय मौजूद हैं और ऊपर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो पुल हाई बने थे महाकुंभ के दौरान, वहाँ पर एक मूर्ति रखकर कुछ मंदिर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था जिसको आज प्रशासन की टीम ने पहुंचकर जो है बुलडोजर देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। और शासन प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम, तहसीलदार सब यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो SDM, CO सिटी सभी लोग यहाँ पर जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं संदेश सरकार द्वारा देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी चीज़ गलत तरीके से जो है बनाई गई है बिना परमिशन के उसको जो है ढहाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्रवाई यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और बुलडोजर यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई देगा।
स्वामी ने जिस तरह से कहा था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अवैध अतिक्रमण हम प्रदेश में कहीं नहीं होने देंगे, और जहां पर भी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी उनको तत्काल जो है हटाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिंगवार का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखकर जो है मंदिर बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई, जिसको यहाँ पर लोगों द्वारा मूर्ति को यहाँ पर हटाया गया। और बिल्कुल ही इलीगल रूप से मूर्ति इस्टेब्लिश की गई थी, हनुमान जी की मूर्ति, उसको रिमूव किया गया है सिंहद्वार चौक से। और उसके बाद आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।